नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर भीतरवार से। सरकार चाहे लाख वादे कर ले, बिजली की समस्या नहीं होगी, कोई इसका कोई निराकरण ऐसी समस्या को देखने को नहीं मिलता है। भीतरवार विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम घाटमपुर गांव में मिली है यह जानकारी, जहां पर ग्वालियर कलेक्टर श्रीमान कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी को घर से बाहर ना निकलने का आदेश दिया है। लेकिन ग्राम घाटमपुर में 20 दिनों से बिजली की समस्या बनी हुई है और ऐसे में घर से बाहर ना निकलने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब ग्रामवासी कहाँ पर जाएं? और सावन के महीनों में मच्छरों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप छाया हुआ है, ऐसे में मलेरिया जैसी कई खतरनाक घातक बीमारियां फैल रही हैं। घाटमपुर ग्राम वासियों ने बिजली घर में अपनी शिकायत भी दी, लेकिन शिकायत पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। वहीं 3 ट्रांसफार्मर घाटमपुर में रखे गए हैं, लेकिन तीनों ही फूके हुए हैं और बिजली के साथ साथ ऐसे मौसम में पानी की भी परेशानी अधिकतर बढ़ जाती है, जिससे ग्रामवासियों को 2 से 3 किलोमीटर दूरी से सिर पर रखकर पानी भरकर लाना पड़ता है। घाटमपुर में रहने वाले कल्लू पंडित ने सभी पत्रकारों को इस समस्या से रूबरू करवाया और अपने गांव की समस्या पत्रकारों के सामने रखी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिजली विभाग हमारे गांव पर तनक भी ध्यान नहीं दे रहा है और अपनी समस्या को लेकर बिजली विभाग के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। बिजली ना होने के कारण हमारे बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वहीं भारत न्यूज़ टीवी के संवाददाता ने जब बिजली विभाग के कर्मचारियों से इस बात को लेकर बात करनी चाही तो घाटमपुर गाँव पर आरोप लगाया गया कि घाटमपुर की तरफ से उनका बिल जमा नहीं किया गया, जिसके कारण उनका फूका हुआ ट्रांसफर दोबारा नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन ग्रामवासियों का कहना है कि ग्वालियर कलेक्टर श्रीमान कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 24 जून से 8 जुलाई तक बिजली की समस्या सुनने को कही थी। हमारी समस्या क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्यों नहीं पूरी की जा रही है? इसके साथ ही कुछ छूट भी मिल जाती है तो हमें बिजली के घर के चक्कर ना लगाने पड़ सकते। हमारा बिल जमा किया क्या ना, हमारी समस्या सुनी। ये थी भीतरवार से हमारे संवाददाता इसाक खान के साथ विवेक शर्मा की। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।